नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। सनातन धर्म में रुद्राक्ष की माला को काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष का निर्माण भगवान शंकर के आंसुओं से हुआ है, इसलिए इसे महादेव के आभूषण भी मानते हैं। मान्यता है कि रुद्राक्ष की माला धारण करने से कई तरह के शारीरिक और मानसिक लाभ हासिल होते हैं। हालांकि इसे मन मर्जी से हर कोई धारण नहीं कर सकता। इसे पहनने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। जैसे मांसाहार का सेवन करने वाले लोग, धार्मिक विद्वानों के मुताबिक जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं उन्हें रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है, जिसके चलते परिवार में अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग अगर रुद्राक्ष पहनना ही चाहते हैं तो उन्हें पहले स्मोकिंग नॉनवेज भोजन का त्याग कर देना चाहिए। शमशान घाट में रुद्राक्ष पहन कर जाना अशुभ होता है, इसलिए आप जब भी किसी की मृत्यु होने पर शमशान घाट जाए तो इस बात का खास ध्यान रखें कि रुद्राक्ष की माला को घर पर ही उतार जाए। अगर भूलवश आप पहन के चले भी जाते हैं तो शमशान घाट में प्रवेश से पहले उसे उतार के जेब में जरूर रख लें। रात को सोते समय रुद्राक्ष को हमेशा उतार देना चाहिए। आप इसे उतार कर अपने सिरहाने या तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करने से रात में बुरे सपने दूर रहते हैं और नींद भी अच्छी आती है। उन्हें भी रुद्राक्ष के सिरहाने होने से फायदा मिलता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर किसी स्त्री को रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी गई है तो बच्चे के जन्म होने पर सूतक काल खत्म होने तक उसे रुद्राक्ष उतार देनी चाहिए। यही नहीं, जिस जगह पर नवजात बच्चा और उसकी माँ हो वहाँ पर भी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।